देखिए, इसमें ऐसा है कि जैसे आपने बोला कि एक तो जो म्यूनसिपलिटी का जो इशू है, जो सीवरेज का इशू है, जो पाइपें, जो कुछ लोगों ने डायरेक्ट जो पाइपें हैं वो वाटर बॉडीज में डायरेक्ट जो है वो डाली हुई है। इससे ऐसा है कि ये हमारी जो ये नेचुरल जो ब्यूटी है, जो पानी का जो स्रोत है, वो एक प्रदूषित हो रहा है। और इसमें ये सिर्फ सरकार का नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है वो लोगों की है, और लोगों को भी इसमें थोड़ा आगे आके सरकार के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के एक साथ देना चाहिए, और हमें भी सजेस्ट करना चाहिए कि कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से इसको रेगुलाइज कर सके। जैसा कि म्यूनसिपलिटी का इश्यू है, जैसे जो सीवरेज की पाइपें हैं जो डायरेक्ट डाली हुई हैं, तो इसको म्यूनसिपलिटी में जो हमारे ईओ साहब हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पे, और लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं। डेली हम डोर टू डोर जो है वो मैसेज उठाने के, अभी जो आसोर वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, और साथ ही साथ लोगों को एक मैसेज भी दे रहे हैं कि हमें चीजों को कैसे इनसे निजात पानी है। और जहां तक अपना दूसरा जो इश्यू है, इसमें अपना एक थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा, जो इसमें जो ब्रिक्स बनाने के लिए रखा जा रहा है, तो जिनके पास लैंड भी नहीं है घर के पास, या फिर एक कमरा या दो कमरा है, वो लोग क्या करेंगे, वो किस तरह से मैनेज करेंगे? नहीं, इसमें ऐसा ना कि जैसे काफी लोगों ने, मैंने जैसे पहले ही बोला कि ब्रेक जो पाइपें हैं वो नाले में डाली हुई हैं, तो उसमें जब से ये थोड़ी लोगों को अवेयर किया गया म्यूनसिपलिटी की तरफ से, तो काफी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है किट्स बनाने के लिए अपने म्यूनसिपलिटी में, और म्यूनसिपलिटी वाले उनको परमिशन दे भी रहे हैं। और जो जिन लोगों के पास, जैसा आपने बोला रेजिडेंशियल हाउसेज, जैसे उनके पास कम जगह है, उसके लिए एक प्लान बनाने की हम एक कदम उठा रहे हैं, उसमें सीवरेज प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक एसटीपी बनाया जाए। और जो साहब ने हमें रिक्वेस्ट की है कि कोई लैंड जो आइडेंटिफाई करके हमें दीजिए, और जल्दी हम लैंड आइडेंटिफाई करके एक एसटीपी बनाने की तरफ एक हम लेटर लिखेंगे तो जल्दी ही उसका वो हम अप्रूवल देंगे। प्लान बना हुआ है तो पुराना जो है, या फिर 10 साल के बाद जो रिव्यू होता है, तो वो रिव्यू हुआ है या फिर वो पुराना ही नहीं, अभी तो एक प्लान जो है वो रिव्यू तो नहीं हुआ है, बीच में जो म्यूनसिपलिटी का प्लान था वो रिव्यू होना था, बीच में एनसीसी की वजह से रिव्यू नहीं हो पाया। प्लान बना हुआ है, जब भी एनसीसी करता है तो वो प्लान जो है रिव्यू करवा लेंगे, और फॉर द टाइम बिंग अभी वही प्लान चल रहा है। ठीक है, साथ में मैं इसके साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि जो हमारी पब्लिक है, जो लोग हैं, जो शहर के जो लोग हैं, अगर उनको सीवरेज में प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारे सुलभ शौचालय बने हुए हैं, ये उनका भी भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, और गंदगी फैलने से जो है वो बदरवा को ये बचा सकते हैं। तो जो कंस्ट्रक्शन है, जो घर बनने बनाने हैं या तुम्हें रेनोवेट करना है, तो उसके बारे में बताएं, उसको लेकर क्या दिक्कत आ रही है, तो लोगों को जो मसले मसाए उसमें ऐसा, कंस्ट्रक्शन का जो मसला आपने बोला कि जहाँ से हमने देखा कि काफी जो कंस्ट्रक्शन है रेजिडेंशियल और कमर्शियल विदाउट परमिशन हो रही है, तो हमने उनको सिर्फ इतना ही बोला है और नोटिस सर्व किए हैं कि फॉर द टाइम बीइंग आप ये कंस्ट्रक्शन जो है ये रोके जब तक आपको परमिशन नहीं मिल चुकी है, मिली है मतलब परमिशन के लिए वो हमारे पास अप्लाई करेंगे, तो पहली बार अप्लाई करेंगे, और बाकायदा उसकी कमेटी बनी हुई है जिसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर जो है डोडा वो चेयरमैन है, और काफी केसेस हमने वो अप्रूव भी करवाए हैं। तो जैसे परमिशन का जो मसला है ना, इसमें जब भी कोई प्लान बनाया जाता है, जब कोई कमर्शियल जो परमिशन के लिए अप्लाई कर रहा है या रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, तो परमिशन का एक बैकग्राउंड इसकी ये रहती है कि आने वाले 10 सालों में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसमें देखना होता है कि रोड की कितनी वो विड्थ है, कितनी है आगे आगे पार्किंग है कि नहीं है, और कल को अगर सरकार को वहां से पानी पहुंचाना है, क्या सरकार को पानी वहां से पहुंचा पाएगी कि नहीं पहुंचा पाएगी, बिजली का इश्यू रहता है, ये सारी चीजें देख के परमिशन दी जाती है। और हमारी तरफ से यही कोशिश होती है कि हम जल्दी से जल्दी और काफी मतलब आसान तरीके से जो है लोगों को परमिशन प्रोवाइड करें। सर, लोग कह रहे हैं कि प्लानिंग ऑफिसर जो है वो जूपुर में है, वहां से अप्रूवल लेना पड़ता है, और बड़ी बड़ी दिक्कतें पेश आ रही है वहाँ, इस तरह से तकलीफ आने पड़ते हैं। उनका कहना है, लोगों का कहना है कि यही रखा जाए ताकि लोग परेशान हो। इसमें ऐसा तो नहीं कि वो वहां से जाना पड़ता है, उनको तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है सारा, ठीक है ना। और जो हमारी जो मीटिंग होती है, वोकल की मीटिंग जो होती है, जिसकी ऑफिस में जिसके चेयरमैन है, बीडीए के सीईओ जो मेंबर करती है, वहीं पे केस फोटा किए जाते हैं, ऑनलाइन डिस्कस होते हैं, वहीं पे इनको
एनओसी और परमिशन दी जाती है। तो एक बार लोग अप्लाई तो करें, इस लाइन में आए तो सही, ठीक है। हमारे जो नीचे तहसीलदार साहब हैं उन्होंने एक हेल्प डेस्क बना के रखा हुआ है इसी खासकर इसी सीएलयू के लिए और गोका के परमिशन के लिए। अगर किसी को किसी चीज की दिक्कत है या कोई गाइडेंस चाहिए कोई, वो हमारे तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, वो उनको पूरा गाइड करेंगे। इस तरह से लोगों को अवेयर किया जाए कि भी कुछ लोग कहते हैं कि हैरेसमेंट हुई, जो प्रेशराइज किया गया, हमें डर लग रहा है कि अपनी ही जमीन में कुछ करने से या फिर कोई रिनोवेशन करने से डर लग रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जो नोटिस इनको सर्व हुए हैं वो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से सर्व हुए हैं, और हम ज्यादा कोशिश जो एक्शन वो नहीं कर रहे हैं, जल्दी नहीं कर रहे हैं हम लोग। इनको ऐसा महसूस हो रहा है कुछ लोग इनको मतलब की डिसगाइडेड हो गए हैं, तो मेरी इनसे यही इल्तिजा है कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है वो हमारे ऑफिस में आए, हम पूरा उनको गाइड करेंगे किस तरीके से आपको परमिशन लेनी है, एनओसी लेनी है, कौन से कागजात चाहिए, और हम खुद उनका केस जो है वो प्लीट करेंगे मीटिंग। इसमें टाइम फ्रेम तो नहीं है कोई, जैसे ही लोग हमारे पास अप्लाई करेंगे मीटिंग होगी फोर्टनाइटली तो उनको परमिशन मिल जाएगी। इसमें टाइम फ्रेम तो रनिंग प्रोसेस है ना, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन इसको करनी है पहले अप्लाई करेगा कंस्ट्रक्शन के लिए, बोका की परमिशन मिली तभी कंस्ट्रक्शन करेगा। हम अभी हमने टाइम बींग उनको यही बोला है कि आप अप्लाई करें, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है तो आप अपना जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो प्लीज अभी स्टैंड पर। देखिए, मैं जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई भी टाउन प्लान जो बनता है वो 20-25-50 साल के मद्देनजर बन के लेके बनाया जाता है। अगर परमिशन देने का और लाइक ये मकसद है कि अगर कोई रोड के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है, रेजिडेंशियल एरिया कमर्शियल हो रही है, ठीक है ना, तो उसको जो मालिक है उसको ये है कि ये मेरी जमीन है, ठीक है, मैं बना रहा हूँ, पर उसको हमें कुछ और चीजें भी देखनी है कि अगर कमर्शियल जो बिल्डिंग बना रहा है उसके आगे जो पार्किंग है वो उसको है कि नहीं है, ठीक है ना। साथ में उसको कल को पानी का कनेक्शन चाहिए, क्या सरकार वहां से पानी का कनेक्शन दे पाएगी उसको, बिजली का कनेक्शन है वो सरकार दे पाएगी उसको, और सबसे ज्यादा जो भद्रवाह टाउन का और ये एक छोटा कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पे एटमोसफेयर इतना अच्छा है कि मतलब हमें ये नेचुरल ब्यूटी को सेफ करके रखना है, ठीक है। हम अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हमें परमिशन नहीं देनी है, जो हमारा ग्रीन जोन है जो भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में आता है खासकर, उसमें हमें काफी काम करना है और किया भी हुआ है। पहले जो रहे हैं यहाँ पे अफसरान उन्होंने काम किया हुआ, हमें वही काम आगे करना दिया और इस छोटे से शहर को एक और खूबसूरत बनाना।